आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट जो हेडिंग है वो करवाऊँगा रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। कराता हूँ तुमको। देखो सीपी और सीवी के बीच में रिलेशन पढ़ने से पहले ये देखो कि सीपी क्या है, सीवी क्या है, रिलेशन अपने आप आ जाएगा। सीपी क्या है अभी? सीपी है क्यू बटे एन डेल्टा टी, राइट। तो एन क्या हो गया? एन हो गया एन सी पी डेल्टा टी, क्लियर है, ठीक। दूसरा आपका सी वी क्या है? सी वी भी है क्यू बटे एन डेल्टा टी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू है वो सी वी एन डेल्टा टी है। अब एक फॉर्मूला आपने देखो, एक बार इसको बोल जाओ, इसको बोल जाओ, इसको याद ही मत रख लेना, कोई दिमाग में ही मत ले आना इसको, बस ये दो लाइनें ध्यान रखो, सब भूल गए, बस इतना याद है सी वी है वो क्यू बटे एन डेल्टा टी और क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। क्यू क्या होता है? डेल्टा यू और प्लस में डब्ल्यू, यही तो होता है क्यू। तो अब एक चीज़ देखो, क्यू आपका क्या है? सी वी एन डेल्टा टी, ऊपर वाले को भूल गए होंगे। डेल्टा यू, डब्ल्यू क्या होता है? पी डी वी। हम बार बार बोल रहे हैं सी वी, सी वी का मतलब क्या? कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम में चेंज डी वी कितना? जीरो। तो इसका मतलब सी वी एन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो डेल्टा यू कितना आ गया यहाँ से? एन सी वी डेल्टा टी। देखो आपको मैंने समझा दिया कि वैसे तो दोनों ही होते हैं क्यू बटे एन डेल्टा टी, क्यू बटे एन डेल्टा टी, लेकिन मैं हमेशा बच्चों को कभी ये बताता ही नहीं, ठीक। ये तो ऑनलाइन में मैंने पहली बार बताया, वरना आज 4 साल की टीचिंग में मैं बच्चों को हमेशा यही याद करवाता हूँ कि सी पी तो याद कर लो क्यू बटे एन डेल्टा टी, और सी वी याद कर लो डेल्टा यू बटे एन डेल्टा टी, और ठीक भी है, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये इतना सिस्टम कन्फ्यूज कर रहा है तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलाज, ठीक है। और अगर आपको कन्फ्यूज नहीं करता, आपको ये समझ में आ जाता है कि सी वी भी क्यू बटे एन डेल्टा टी होता है, बट वी जीरो होने के कारण जो क्यू है वही क्या बन जाता है? डेल्टा यू। तो चाहे क्यू लिखो चाहे डेल्टा यू रखो, दोनों ही क्या है? एन सी वी डेल्टा टी। और ये तो अपना स्टैंडर्ड है, सी पी वाला तो होता है क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। और अगर आपको इतना नहीं पचता तो जब आप जहाँ पर भी आपने सी पी सी वी पढ़ा है वहीं पे डायरेक्टली याद कर लेना कि सी पी होता है क्यू बटे एन डेल्टा टी, सी वी होता है डेल्टा यू बटे एन डेल्टा टी। क्लियर है? क्लियर ही है। अब एक चीज़ सुनो, एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा Q इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा U प्लस में W। मैंने Q क्या याद करवाया आपको? एन सी पी डेल्टा टी, डी टी मान लो, डेल्टा टी मान लो। और मैंने आपको डेल्टा U क्या याद करवाया? मैंने बोला भी इसे डायरेक्टली याद कर लेना एन सी वी डेल्टा टी। और प्लस में W क्या होता है? पी डी वी, ठीक है। एन सी पी डी टी, एन सी वी डी टी, डी टी डेल्टा टी एक ही बात है, चौंकना मत। एक चीज बताओ, पी वी इज इक्वल टू क्या होता है? एन आर टी होता है ना, ठीक है। अगर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है तो पी डी वी इज इक्वल टू क्या होगा? एन आर डी टी। क्यों होगा? यहाँ पी कांस्टेंट था, क्योंकि पी तो कांस्टेंट है। अच्छा डी वी का क्या हो गया? डी वी, एन का एन, आर का आर, क्योंकि एन भी कांस्टेंट होता है, आर भी कांस्टेंट होता है, टी का टी टी। तो पी डी वी की जगह क्या रखना है? एन आर डी टी, डेल्टा डी डी टी। कुछ कट रहा है? एन डेल्टा टी, एन डी टी, एन डेल्टा टी, एक ही बात है डेल्टा डी डी टी। तो सी पी किसके इक्वल आ गया? सी वी प्लस में आर, दैट इज द रिलेशन सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। बस यही है सी पी और सी वी में रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी क्या होता है? सी पी माइनस सी वी इंटू में सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। इस रिलेशन को खोजने वाले महान साइंटिस्ट का नाम था मेयर, तो इसको बोलते हैं मेयर रिलेशन, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अगर आपको इस रिलेशन में कहीं भी दिक्कत है तो नहीं रहनी चाहिए, मैं आपको दोबारा ये रिलेशन करवा देता हूँ,
ये कहीं पे गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको दोबारा करवाएंगे, एक सिंपल तरीके में करवाएंगे, ताकि देश का हर बच्चा इसको समझ सके। हाँ देखो, आपको यहीं से स्टार्ट करना है कि हमने याद किया सी पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बटे एन डेल्टा टी, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, ये याद करवा दिया आपको। सी वी क्या होता है, डेल्टा यू बटे एन डेल्टा टी, ये याद ही करना है। तो डेल्टा यू आया एन सी वी डेल्टा टी। Q इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस में W। Q इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस में पी डी वी। Q की जगह एन सी पी डेल्टा T, डेल्टा U की जगह एन सी वी डेल्टा T, और पी डी वी की जगह पी वी इज इक्वल टू एन आर T, इसलिए पी डी वी इज इक्वल टू एन आर डी T। तो यहाँ रख दो एन आर डी T, एन डी टी एन डी टी एन डी टी काट दो। सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। बस ये याद करना है, चाहे इसको कितना ही कर लेना, एग्जाम में इतना करके आना है, ठीक है। अब इसके अंदर तो तुम लोग कहीं कन्फ्यूज़ हो ही नहीं सकते, सी वी सी पी डायरेक्टली याद कर लेना, दोनों की वैल्यू रख देना, पी डी वी की जगह एन आर डी टी रख देना, एन डी टी कैंसिल कर देना, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर बाई।